एवरीवन, वेलकम टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने स्टेट में टॉप किया, उसके पीछे के रीजंस क्या। आप बोलोगे स्टेट में टॉप करना कौन सी बड़ी बात है, जो टॉप करता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिस परिस्थितियों में, जिस कंडीशन में इस लड़की ने टॉप किया है, वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनके बारे में बहुत ही चीज़ें कन्फर्म बताता है। उस बच्ची का नाम है ग्रिश्मा नायक। कर्नाटका सप्लीमेंट्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं। सी इज़ क्लास 10th, कर्नाटका स्टेट बोर्ड्स के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की टॉपर है। अभी रिजल्ट आया तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टॉप हो गया। कंडीशन सुनाता हूँ मैं, उसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, कि वो बच्ची का 10th में जो मेन रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक अलवा इंग्लिश मीडियम स्कूल करके है, उसने उसके क्लास 10th का रिजल्ट रोक दिया था। रिजल्ट का मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस लड़की की उस स्कूल में फीस बाकी थी। सी वॉज हैविंग 96% इन क्लास 9th, मतलब 96% क्लास 9th में रहने के बावजूद उसके पेरेंट्स जब फीस नहीं जमा कर पाए, बिकॉज दे आर फार्मर। बेसिकली तो हमारी तो पूरी कंट्री फार्मिंग करती है, ज़्यादा करके लोग तो इसी पे बेस्ड हैं। तो बींग अ फार्मर, उसके फादर ने जब फीस नहीं जमा कर पाए क्लास 10th की कोरोना के टाइम पे, तो स्कूल ने अलवा इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जैसे अपने यहाँ पे वैसे वहाँ पे भी हैं, तो उन्होंने उसके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया। और रजिस्ट्रेशन को रोकने के बाद वह बच्ची 10th का मेन जो एग्जामिनेशन होता है वो नहीं दे पाई। सी हैव ट्राइड टू कमिट सुसाइड, जहर खाया उसने, और जहर खाने के बाद जो है कि बच गई हो, लक था कि बच गई हो। उसके बाद उसके गार्जियंस ने जब हायर अथॉरिटी को अप्रोच किया तो दे हैव अलाउड फॉर द एग्जामिनेशंस, और उसने फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिया। और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में वह बच्ची कर्नाटका स्टेट बोर्ड की टॉपर है। भाई इस देश में जो है बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन वह केवल इन सिस्टम्स के वजह से, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों के चक्कर में जो है सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं। अगर इस देश में एजुकेशन और हेल्थ को बेच देंगे आप, तो और कुछ भी नहीं बचेगा। और सबसे ज़्यादा जो पैसा कंज्यूम होता है एक नॉर्मल इंसान का, वह बताइए 16 साल की बच्ची जिसके रजिस्ट्रेशन के वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो गई, क्योंकि टॉपर्स थी वो, 96% होता है 9th में था उसका, और 10th में आपने उसका रजिस्ट्रेशन रोक दिया, जिसके वजह से जो है वह सुसाइड करने के लिए वो हो गई, और अभी वो स्टेट टॉपर है। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन मैन, ये तो एक कहानी है जो कि समझ में आता है कि चलो अभी आ गया मार्केट में तो समझ में आता है। बहुत सारे हैं जो टैलेंटेड हैं जिनके घर पे पैसे नहीं है। कोरोना के टाइम पे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जॉब गई जिसकी अभी भी नहीं लगी है। ठीक है, मेरी भी गई है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी भी गई है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस में रहता है सिस्टम। अब बच्चे बताओ, 16 साल के बच्चे जब कमिट होते, सी हैव, मतलब उसने जहर खाया और बच गई वो बेचारी बच्ची। तो ये हालत है हमारे देश के प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का और जुडिशरी सिस्टम का। क्लियर है? तो ये है, तो ऐसे स्कूलों को रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एक ख़त्म कौन करेगा, देश वही चलाते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन होता नहीं है। तो ये है उस बच्ची की कहानी, और ऐसा ही है। तो टैलेंट बिखर जाता है, आप जब जाएंगे ऊपर तो टैलेंट की कोई कदर नहीं, बच जाती है। सब सिस्टम यही लोग चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं कुछ दोस्तों से मेरे बात करता हूँ, तो अभी वो जो स्कूल छोड़ते थे, वो लोग सिक्योरिटी मनी जमा करा लेते हैं टीचर्स की। ठीक है, तो अभी वो सिक्योरिटी मनी भी ये लोग रिफंड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा है जो मुझे सुन रहा हो, किसी भी स्कूल में हो जिसकी अगर सिक्योरिटी मनी बची हो स्कूल के पास, तो आप इस वीडियो सेक्शन में, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आइए मिल के लड़ते हैं इनके साथ या इनके अगेंस्ट में कि आप सिक्योरिटी मनी क्यों नहीं दे रहे। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी गार्जियन को, किसी भी प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड, आप कॉन्टैक्ट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, मिल के लड़ेंगे। और लड़ेंगे, आप तो डिसाइड कर चुके हैं हम कि लड़ना है इन लोगों के अगेंस्ट में। तो एक बच्ची की कहानी है, बाकी आप देखते रहिए। टिल दैट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।